लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा एक नॉर्मल स्टेपलर जिसमें आपको पिंस इंसर्ट करनी पड़ेगी, और राइट हैंड साइड पे है हमारे पास एक ऐसा स्टेपलर जिसमें किसी भी तरह की पिंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काफी इको फ्रेंडली तो है ही, और साथ ही साथ आप इसको छोटे बच्चों को यूज करने के लिए दे सकते हैं क्योंकि इसमें पिंस चुभने का डर नहीं। एक्चुअल में ये यहाँ पे दो होल करता है, एक तो ये बड़ा वाला होल है और इसका जो कट पार्ट है वो बैक साइड से राउंड होकर इस छोटे वाले होल में टग इन हो गया है, जिससे ये पेजेस को होल्ड ऑन करके रख पाएगा। इस स्टेपलर की लिमिट 10 पेजेस की है। चलिए अब इसे यूज करके देखते हैं ये कितना इफेक्टिव है। शीट्स को इतना हिलाने के बाद भी ये सेपरेट नहीं हो रहा, जो कि काफी अच्छी चीज है। बट हाँ, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये 100% अलग हो जाएंगी। ये नॉर्मल पिन वाले स्टेपलर की जितना रिलायबल तो नहीं है, बट हाँ फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम जो है वो आती है इसकी प्राइस पे। ये आपको 1100 के आसपास का पड़ता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है एक स्टेपलर के रिस्पेक्टिव में। और जो स्टेपलर पिन्स है वो भी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती, तो इससे बेटर है कि हम एक नॉर्मल स्टेपलर खरीदे। ये इको फ्रेंडली है इसलिए हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, एंड अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बाय कर सकता है। बट अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1100 रुपीज एक स्टेपलर में डालना मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।